हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन सरस्वती प्रकाशन, जो आपका CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। एंड एक क्लास 11th में 10 चैप्टर हैं और क्लास 12th में 10 चैप्टर हैं। एक क्लास 11th के 10 चैप्टर का वीडियो एक ही वीडियो में होगा एंड इसके बाद क्लास 12th का 10 चैप्टर होगा, जिसमें से क्लास 12th जो है 5-6 घंटे का हो जाएगा, उसमें ज़्यादा थोड़ा मैटर दिया हुआ है और क्लास 11th कम ही होगा। तो आप दोनों का मैराथन क्लास देख लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपने सभी थ्योरी सेशन पढ़ा हुआ है, एक दो चैप्टर जो डिफरेंट है MCQ के माध्यम से आपका पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपके पास अब टाइम नहीं है एंड BPSC और EMRS या ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए ये दोनों 11th 12th सरस्वती प्रकाशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने जो भी पढ़ा है, चाहे श्याम नारायण की बुक से पढ़े हों या एमएल कमलेश की बुक से पढ़े हों, कोई भी से पढ़े हों, इसमें मिलता जुलता है। अब क्वेश्चन यहाँ से 11th 12th से आते हैं और 60-70% यहाँ से ही फंस जाएंगे आपके। दोनों मैराथन देख लेंगे आप, तो ये है आपका क्लास 11th का मैराथन। एंड दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चाहे आप क्लास 11th 12th से पढ़ते होंगे तो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। एक एक क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक क्लास 11th का है। इसके बाद जस्ट ही एक दिन बाद हम क्लास 12th का मैराथन क्लास अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अध्याय 1 क्वेश्चन 1 है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानों में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह सेम टू सेम परिभाषा आपके बिहार या स्टेट 9th 10th में आया था। तो यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो रोजालैन कैसिडी का है। किसका है? कैसिडी का। जब भी भीतरी अनुभव की बात करें, केंद्रित अनुभवों के परिवर्तन की बात करें, तो वहां कैसिडी का परिभाषा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो जहां पे शारीरिक क्रियाओं और व्यक्ति विशेष की बात आ जाए, वहां पे आपका DAVRIT-UFOR की परिभाषा होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा में पूरे डिटेल में एक एक परिभाषा को इस तरीके से बताया हुआ है कि उस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत हेल्प होगा आपके लिए, आप परिभाषा को चुटकियों में पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि एच क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए गए हैं? तो एच क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न उद्देश्यों में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य लेसली के द्वारा नहीं बताया गया है? तो यहाँ पे शारीरिक अंगों का विकास, स्नायु पेशी का विकास, सामाजिक विकास, ये 3 उद्देश्य लेसली के द्वारा बताए गए हैं, बट आर्थिक विकास नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है शारीरिक मानसिक सामाजिक यानी सर्वांगीण विकास करना हर एक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, सर्वांगीण विकास करना। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, कई बार मैं बताई हूँ थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है थॉमस कप? बैडमिंटन से, जिसमें से थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष से रिलेटेड है, उबेर कप बैडमिंटन महिला से रिलेटेड है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। एंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो यह प्रथम आयोजित किया गया आपका दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित किया गया। एंड कब आयोजित किया गया दिल्ली में? 2017-18 में। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस वर्ष में भारतवर्ष में प्रथम एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे? तो आप सबको पता है
1951 नई दिल्ली में हुआ था, उसके बाद दोबारा से 1982 नई दिल्ली में हुआ था, अब 2023 में 2022 में वांगझोउ चीन में होने वाला था, वह 2023 में हुआ है, जिसमें भारत ने 107 पदक जीते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जेसी एवेंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह एथलेटिक्स के महान खिलाड़ी थे, इसलिए यह एथलेटिक्स से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये रिपीट हो गया, यह है बैडमिंटन पुरुष से रिलेटेड, और उबेर कप बैडमिंटन महिला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष में क्रिकेट से संबंधित आईपीएल शुरू किया गया था? तो दोस्तों आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत शुरू हुआ था 2008 से। क्वेश्चन नंबर 12 है, खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018-19 से दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन से रिलेटेड, तो अभिकथन अ है कि शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय है, सही बात है, शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय है। ब है इसके तर्क में कि शारीरिक शिक्षा संबंध क्षेत्रों से सिद्धांत उधार लेती है, तो ये भी बात राइट है। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कि ए और ब दोनों सही है, ब अ की सही व्याख्या है। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि यह भी अभिकथन से रिलेटेड है, अ है कि आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो चुके हैं, इसके तर्क में वह है कि लोग रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित करना चाहते हैं ताकि वे बीमारियों का शिकार न हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों चीजें आपका राइट लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा कि अ और ब दोनों सही है और ब अ की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो दोस्तों मिलान कीजिए, जैसे कि बैडमिंटन जो है किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन जो है थॉमस कप से रिलेटेड है, क्रिकेट किससे रिलेटेड है, आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो अ का 3 हो जाएगा, कहाँ दिया है, डी में दिया है, ठीक। एंड ब का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। एंड टेनिस जो है ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप से रिलेटेड है, तो स का 2 हो जाएगा। फुटबॉल जो है डूरंड कप से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो घ है आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ भी आपको मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुआ, तो प्रो कबड्डी लीग अ का 4 हो जाएगा, 2014 से स्टार्ट हुआ। ब है इंडियन प्रीमियर लीग, तो आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग जो है वह स्टार्ट हुआ 2008 से आईपीएल। स है प्रो रेसलिंग लीग, प्रो रेसलिंग लीग जो है 2015 से स्टार्ट हुआ। एंड थॉमस कप 1948 से स्टार्ट हुआ, जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर ग राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका अध्याय 1 समाप्त होता है, और इसका जो हमें अभी हल कराए हैं इसका ये आपका आंसर है, ये आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 में पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में हुआ था, 23 जून 1894 में हुआ था, पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर। इसका आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है, और इसके बाद 1894 के बाद 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के ओलंपिया शहर में, ईरान के एथेंस के ओलंपिया नामक स्थान पर बैन पियरे डी कुबर्डिन के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस कारण बैन पियरे डी कुबर्डिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय ओलंपिक संघ
यानी कि IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में किया गया, जिसके बाद भारत ने ओलंपिक में हॉकी में सबसे पहले भाग लिया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, जिसके कप्तान जयपाल सिंह थे और भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल 1960 रोम में आयोजित किए गए थे। यह विकलांगों के लिए शारीरिक मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों विशेष ओलंपिक जो है इसको प्रारंभ किया यूनियस कैनेडी श्राइवर ने। विशेष ओलंपिक को प्रारंभ किया यूनियस कैनेडी श्राइवर ने और प्रथम विशेष ओलंपिक 1968 शिकागो में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में बैरन पियर डी कुबर्टिन के रूप को जाना जाता है, जिन्होंने 1896 में एथेंस के ओलंपिया स्थान पर प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 1928 पैरालंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों जैसे कि 1960 रोम में पहला पैरालंपिक खेल शुरू हुआ था और जो हमारा ओलंपिक खेल है ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हर वर्ष साथ साथ होते हैं, यानी पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद उसी स्थान पर होता है पैरालंपिक खेल ग्रीष्मकालीन। तो जैसे कि जो हमारा ओलंपिक खेल हुआ था ग्रीष्मकालीन 2020 का टोक्यो जापान में हुआ था, 24 का पेरिस फ्रांस में होगा और 28 में होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो यहाँ पे जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 1928 में, तो पैरालंपिक खेल भी ग्रीष्मकालीन होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं? तो ओलंपिक झंडे जो होता है प्रतीक चिन्ह हमारा झंडा होता है, उसमें 5 रिंग लगे होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक होता है जो दुनिया की एकता को दर्शाता है। इसमें 5 रंग के रिंग डब्लू आकार के होते हैं, नीला पीला काला हरा लाल। तो कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्हीं में से कौन सा ओलंपिक का मूल्य नहीं है? तो दोस्तों जो 5 रिंग होते हैं ओलंपिक का मूल्य होता है मैत्री भावना, भाईचारे का भावना, बंधुत्व की भावना, निष्पक्ष खेल बट भेदभाव इसकी भावना नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्टियस का क्या अर्थ है? जैसे कि ओलंपिक मोटो है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, अब एक चौथा शब्द कम्युनेटर जुड़ गया है। तो सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनेटर, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, यानी कि और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। तो फास्टर हायर स्ट्रांगर सीटियस अल्टियस फोर्टियस, तो फोर्टियस का क्या अर्थ होगा? अधिक बलशाली, अधिक शक्तिशाली, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज को 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने बनाया था, 14 में उसको मान्यता मिली और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार वो ओलंपिक में फहराया गया। याद रखिएगा, अगर पूछ लेगा किसने बनवाया था किसने बनाया था, तो बैरन पियर डी कुबर्टिन ने 1913 में बनाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति में कब स्थापित किया गया था? दोस्तों जैसे कि IOC जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है, संचालन करती है, उसी प्रकार पैरालंपिक खेलों का संचालन IPC यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कराती है, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुआ था, 22 सितंबर 1989 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? आप सबको पता है 776 ईसा पूर्व में,
शुरू हुआ था ओलंपिया नामक नगर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्थापना 1927 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सरदाबाजी टाटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिकथन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकथन ए है अ है कि पैरालंपिक गेम्स गतिशीलता, छिन्न अंगों, दृष्टिहीन, सेरेब्रल पॉल्सी जैसी असमर्थताओं वाले एथलीट्स के लिए आयोजित की जाते हैं। बात सही है। एंड ब है इसका कारण कि विशेष ओलंपिक्स बौद्धिक रूप से असमर्थ एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो सही बात है, जो विशेष ओलंपिक होते हैं जो मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से असमर्थ होते हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है। यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन राइट है, लेकिन जो ब है उसकी और की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, पैरालंपिक लोगो जो अर्धचंद्राकार होता है, देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है पैरालंपिक लोगो है, ठीक है, ये हमारा ओलंपिक लोगो है जो पांच छल्ले दिखाई दे रहे हैं, जो तीन अर्धचंद्राकार दिख रहा है वो पैरालंपिक का लोगो है। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो लाल, नीला, हरा आपको दिखाई दे रहा है सामने चित्र भी। तो ये सभी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। इस प्रकार आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। अब इसका आपका ये क्वेश्चन का आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं अध्याय 3 की तरफ। अध्याय 3 में पहला क्वेश्चन है, पुरुषों में शरीर का वसा का प्रतिशत कितना होता है? तो पुरुषों में शरीर के वसा का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों पुरुषों में शरीर का वसा का प्रतिशत जो होता है 15 से 18 होता है। कितना होता है? 15 से 18। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर की शक्ति को किस इकाई से मापा जाता है? तो दोस्तों पाउंड्स, डाइंस, ये दोनों से मापा जाता है। कॉखो यहाँ पे दोनों राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर की वसा की तुलना में अस्थियों, कंडराओं, मांसपेशियों, पानी, अस्थि बंधक तंतुओं, अंगों आदि के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बॉडी कंपोजिशन यानी कि शरीर रचना बनावट, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉडी कंपोजिशन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिक दूरी तक शरीर की गतियों के विस्तार करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उसके ग्रेटर रेंज ऑफ मोमेंट को, विस्तार को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक एथलीट पुलअप्स करता है तो किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जब हम पुलअप्स करते हैं तो एक बार ऊपर की तरफ लाते हैं फिर नीचे की तरफ लाते हैं, इसका मतलब हमारे मांसपेशी में मूवमेंट हो रहा है। कभी छोटी हो रही है ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो मांसपेशी संकुचित हो रही है, नीचे की तरफ ला रहे हैं तो प्रकुंचित हो रही है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है। लंबी या छोटी हो रही है तो यहाँ पे कौन सा शक्ति होगा? गतिशील शक्ति, आइसोटोनिक, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि यानी कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के घटक कितने होते हैं? तो आपको पता है इसके घटक 5 होते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, दो भागों में बांटा गया है फिजिकल फिटनेस को। इसमें से हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? जैसे कि बॉडी कंपोजिशन एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में 5 होते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा लचक को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित करते हैं? तो मांसपेशी की शक्ति भी प्रभावित करता है, ज्वाइंट्स की जो संरचना होती है वो भी प्रभावित करता है, अस्थि बंधक तंतु या लिगामेंट्स भी प्रभावित करता है। यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोध का सामना करने की योग्यता को कहा जाता है? मैंने
कई बार बताया है कि जब प्रतिरोध की सामना की बात आए तो स्ट्रेंथ होगा, जब फटीग यानी थकान की सामना की बात आए तो इंडोरेंस यानी कि सहनशीलता होगा। यहाँ पे प्रतिरोध की सामना की बात कहा है यानी कि मांसपेशीय शक्ति आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि का घटक नहीं है? तो दोस्तों हृदय सहन क्षमता है, मांसपेशी सहन क्षमता है, लचक भी है, बट गति आपका मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, इसलिए यह हेल्थ रिलेटेड नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, लंबी अवधि तक प्रतिरोध करने की योग्यता कहा जाता है। अब यहाँ पे मत कहिएगा कि प्रतिरोध करने की योग्यता कहा है, प्रतिरोध के विरोध की बात करेगा तब स्ट्रेंथ रहेगा। लंबी अवधि भी शब्द आ गया, मतलब इंडोरेंस की बात कर रहा है, सहनशीलता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, वसा युक्त नहीं बोला है, क्वेश्चन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। वसा मुक्त यानी बिना वसा का, ठीक है, वसा मुक्त द्रव्यमान में वसा की शरीर की सापेक्ष मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बॉडी कंपोजिशन। क्या कहा जाता है? बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। अब मात्रा बोला है, अगर इसके माप कहता तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई हो जाता, ठीक है, क्योंकि बीएमआई जो होता है हमारे जो बॉडी का वेट है वो हमारे लेंथ के हिसाब से सही है या नहीं ये देखा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिकथन से रिलेटेड, अभिकथन अ है कि अक्रिय लचक सक्रिय लचक के आधार होती है, सही बात है। ब है सक्रिय लचक हमेशा अक्रिय लचक से अधिक होती है, जबकि ऐसा नहीं है, अक्रिय लचक सक्रिय लचक से अधिक होता है। तो यहाँ पे अ सही है बट ब क्या है? गलत है, ठीक है, यहाँ पे अ सही है ब गलत है, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लचक दिया है, तो लचक का कौन सा राइट हो जाएगा? लचक का राइट हो जाएगा दोस्तों जोड़ों की गति के विस्तार करता है लचक, तो अ का 4 हो जाएगा। गति क्या है? एक प्रकार की क्या है, मूवमेंट को तेज गति से करने की होती है, ठीक है। एंड स है शारीरिक रचना या बनावट, ये क्या है? लीन बॉडी मास का प्रतिशत होता है, मतलब वसा रहित बॉडी के भार का प्रतिशत होता है, तो स का आपका 2 हो जाएगा। द है तालमेल संबंधी योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, 7 प्रकार का होता है, मैंने बताया है आपको, ABCDRO, एडाप्टेशन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, क्विपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी एंड ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो यहाँ पे द का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लय योग्यता, ठीक है, रिदमिक एबिलिटी। तो आसन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। इस प्रकार आपका अध्याय 3 समाप्त होता है। अध्याय 3 का आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं। अब चलते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 में आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की गतिशीलता व सकल गामक कौशलों के साथ किसका संबंध होता है? तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विकलांग होते हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, ये कौशलों के साथ किसका संबंध होता है? तो फिजियोथेरेपिस्ट का। किसका संबंध होता है? फिजियोथेरेपिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह 1960 रोम में आयोजित किए गए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, वे कौन से विशेषज्ञ होते हैं जो विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हैं? तो वह होता है स्कूल काउंसलर। कौन होता है? स्कूल काउंसलर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स आयोजित किया गया था 1976 में। कब? 1976 में। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना हुई थी? तो विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना हुआ था कब दोस्तों? तो विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना 1987 में किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडिया का नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया?
तो विशेष ओलंपिक इंडिया 1987 में हुआ था, अब बट उसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक इंडिया का नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया। कब? तो 2001 में रखा गया। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किन खेलों में दौड़ों को प्रारंभ करने में सीटियों और बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह खेल होता है डेफलिंपिक्स। डेफलिंपिक्स क्योंकि यह बधिरों के लिए, जो सुनने की क्षमता नहीं होती है उन लोगों के लिए होता है, इसलिए सीटी एंड बंदूकों का प्रयोग नहीं होता है। हाथों को लहराया जाता है जिसे वो देख करके संकेतों को समझे, कान से सुन नहीं सकते इसलिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम डेफलिंपिक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो डेफलिंपिक्स जो बधिरों के लिए होता है, इसका आयोजन प्रथम डेफलिंपिक्स का हुआ था 1924 पेरिस फ्रांस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आजकल विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की योग्यताओं को विकसित करने के लिए शैक्षिक स्थापना होनी आवश्यक है, अर्थात यह समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है जिसमें सब लोग बैठ के अपना शिक्षा ग्रहण करें। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक विशेष ओलंपिक्स का संस्थापक था? तो दोस्तों विशेष ओलंपिक का पितामह या संस्थापक कहा जाता है यूनियस कैनेडी श्राइवर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम बधिर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों बधिर ओलंपिक्स को डेफलिंपिक्स ओलंपिक कहा जाता है, जो पेरिस में 1924 को आयोजित किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कि अभिकथन से रिलेटेड है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का संबंध विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांगों की गतिशीलता व सकल गामक कौशलों से होता है। एंड वह है इसके तर्क में बात सही है। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता जो मांसपेशियों, अस्थियों, रक्त परिभ्रमण और फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ब गलत लग रहा है, ब आपका गलत लग रहा है, यानी कि अ सही है, ब गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है। 13 का अ है कि पैरालंपिक खेल गतिशीलता से संबंधित असमर्था वाले एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो गतिशीलता से एंड और विकृतियों से रिलेटेड भी ये आयोजित किए जाते हैं, तो असही प्रतीत हो रहा है। बहुत देखते हैं, पैरालंपिक खेल रूपांतरित या अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने में सहायता नहीं करता। तो ये बहुत गलत है, असही है। आंसर नंबर ग राइट हो जाएगा, असही है लेकिन बहुत गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, जो एक साथ सभी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ का 4, असमर्थता व गैर असमर्थता वाले विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से विचार विमर्श या बातचीत करना और सिखाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है, जो असमर्थ है और समर्थ है सबको एक साथ सामूहिक रूप से। ठीक है, तो अ का 4 हो जाएगा। ब क्या है? सारी शिक्षा के अध्यापक। ये ब का 1 हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने में सहायता करता है कौन? फिजिकल एजुकेशन टीचर। स है वाक शिक्षक, स का हो जाएगा 2, यानी कि वाक शिक्षक क्या है? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संचार और बातचीत करने की योग्यता को प्राप्ति में सहायता करता है। तो स का 2 हो जाएगा। ड है फिजियोथेरेपिस्ट, ये क्या करेगा? ये ड का 3 हो जाएगा, यानी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मांसपेशियों, अस्थियों तथा रक्त परिसंचरण को प्रभावित करती है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका अध्याय 4 समाप्त होता है, जिसका जो है उत्तर कुंजी यहाँ पे दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं। आप चलते हैं अध्याय 5 पर। अध्याय 5 में पहला क्वेश्चन है, योग से रिलेटेड अध्याय 5 है। किससे रिलेटेड है? अध्याय 5 जो है आपका योग से रिलेटेड है। तो इसमें कुल कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें आपके कुल 15 क्वेश्चन हैं, तो योग से रिलेटेड है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, यह बात किसने कहा है कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है? इस बात को कहे हैं महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, और योग समाधि है, इस बात को कहे हैं वेद व्यास ने। ये दोनों परिभाषा बार बार पूछा जाता है, योग कर्मसु कौशलम, ये भगवत गीता में कहा गया है। तीनों परिभाषा को याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, योग सूत्र किसने लिखा था? दोस्तों योग सूत्र लिखा था महर्षि पतंजलि ने, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंग के बारे में बताया है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सत्कर्म
शामिल किया गया। तो षटकर्म के अंतर्गत आता है नेति, दोति, नौली, बस्ती, त्राटक, कपाल भाति, ये छह क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पे नौली, बस्ती, धोती ये सभी है षटकर्म के अंतर्गत, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर घर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है योग के कितने अंग हैं। तो योग के 8 अंग हैं। वो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंग के बारे में बताया है। वो 8 अंग के क्या नाम है आप सबको पता है वो जी। तो 8 अंग के नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है पूरक का क्या अर्थ है। तो दोस्तों प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोके रखना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे प्राणायाम के कितने घटक होते हैं, 3 घटक। तो यहाँ पे पूरक का अर्थ पूछा है, तो पूरक का अर्थ होता है श्वास अंदर लेना। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है। तो आप सबको पता है अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें चौथा अंग पूछा है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चौथा अंग कौन सा होगा, प्राणायाम, घ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न आसनों में से आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है। तो जो जिसमें जिस आसन में बैठकर आप ध्यान करते हैं वही आध्यात्मिक विकास के लिए आपके लिए सहायक हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध, क्या हो जाएगा राइट आंसर 7वां का क, सिद्धासन। यानी कि जो हमारा पद्मासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, ये आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा एक नियम नहीं है। जैसे कि यम जो होता है आपका, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यहाँ पे जो नियम की बात पूछा हुआ है, तो यम के अंतर्गत सामाजिक अनुशासन की बात कहा गया है, जिसमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात किया गया है। लेकिन नियम में व्यक्तिगत अनुशासन की बात कहा गया है, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें से कौन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे संतोष भी है, तप भी है, ईश्वर प्राणिधान भी है, यानी तीनों है। तो मतलब ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा प्राणायाम का अंग है। तो 3 अंग है, पूरक, कुंभक और रेचक। यहाँ पूरक भी राइट है, रेचक भी राइट है, कुंभक भी राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है प्राणायाम के कितने अंग हैं। अभी जस्ट आपने देखा 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से निकला हुआ है। तो यह योग शब्द संस्कृत के यूज शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो यम भी है, नियम भी है, प्राणायाम भी है, जबकि नेति आपका षटकर्म का अंग है, इसलिए नेति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न कथनों का आपका अभिकथन से रिलेटेड है। तो अ है आपका नियम अष्टांग योग का अंग है, सही बात है, व्यक्ति के शरीर व ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। तो अष्टांग योग का ये तो अंग है और शरीर यानी व्यक्तिगत अनुशासन से भी रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है। वह है नियम भी नैतिक आचरण होते हैं जो व्यक्ति में नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे आपका अ और ब दोनों राइट है और ब अ की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे है प्राणायाम, तो प्राणायाम का क्या हो जाएगा, सांसों पर नियंत्रण करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। एंड ब है समाधि, समाधि क्या है, अपने आप का पता न होना, यानी एक विलीन हो जाना इस ब्रह्मांड में, यानी कि व्यक्ति का आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है, समाधि। स है आसन, आसन क्या है, स्थिरम सुखम आसन, यानी जो आपको आरामदायक स्थिति पैदा करे, यानी कि स का हो जाएगा पहला आरामदायक स्थिति या आसन में बैठना। धारणा क्या है, एकाग्रता,
किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करना ही धारणा है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्यान का प्रथम अवस्था क्या है, तो धारणा ही है, एकाग्रता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इस प्रकार आपका अध्याय 5 समाप्त होता है। यहाँ पे आपका अध्याय 5 का उत्तर कुंजी दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बता दिया है, सब आप मिला भी सकते हैं। एंड अब चलते हैं अध्याय 6 की तरफ। अध्याय 6 में आपका दिया हुआ है 10 क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा सर्फिंग का लाभ है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सर्फिंग का लाभ है, तो हृदय वाहिका पुष्टि को भी बढ़ाता है सर्फिंग, यानी वाटर खेल है एक प्रकार का। टांग की शक्ति को भी विकसित करता है, दबाव और तनाव से मुक्त रहने की एक अच्छा तरीका भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुशल सर्फर प्रायः बोर्ड पर कहाँ खड़े होते हैं। जो कुशल सर्फर होते हैं वो बोर्ड पर प्रायः कहाँ खड़े होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। बोर्ड के आगे वाले भाग पर, बोर्ड के आगे वाले भाग पर कुशल सर्फर खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे नेता का निम्न में से क्या गुण नहीं है, ये पूछा है। तो नैतिकता, वफादारी होना ही चाहिए, रचनात्मक यानी कि एक क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, अकुशल संप्रेषक वक्ता भी होना चाहिए, बस आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी तो किसी भी चीज में राइट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक वाटर स्पोर्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन वाटर स्पोर्ट्स नहीं है। तो दोस्तों रिवर राफ्टिंग भी है वाटर स्पोर्ट्स, सर्फिंग भी है वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग भी है वाटर स्पोर्ट, बट पैरा ग्लाइडिंग आपका वाटर स्पोर्ट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता का निम्न में से कौन सा गुण है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता का कौन सा गुण है, इसमें बताना है आपको। तो उच्च गामक योग्यता आपके पास होना चाहिए, रचनात्मक क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए, तकनीकी रूप से आप कुशल भी होने चाहिए। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा साहसिक खेलों का उदाहरण नहीं है। तो वाटर में होता है सर्फिंग, ये साहसिक खेल है, कायकिंग है, स्कीइंग है, साहसिक खेल है, पर तैराकी उसके अंतर्गत नहीं आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से एक साहसिक खेल नहीं है, कौन नहीं है। पर्वतारोहण साहसिक खेल है, रॉक क्लाइंबिंग भी साहसिक खेल है, माउंटेन बाइकिंग भी साहसिक खेल है, बट बीच वॉलीबॉल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक वाटर स्पोर्ट्स है, कौन है की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्वतारोहण नहीं है वाटर स्पोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग भी नहीं है, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग जो है एक वाटर स्पोर्ट्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन अ है, अभिकथन अ है कि साहसिक खेलों में प्रायः प्रचंड तथा कई बार जीवन को संकट में डालने वाली क्रियाएं शामिल होती हैं। सही बात है, ठीक है। एंड वह है स्कूबाइडिंग जो है, काइकिंग व बेस जंपिंग आदि साहसिक खेलों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अ ब दोनों सही है, ब अ की सही व्याख्या है। इस कथन के अनुसार ऑप्शन नंबर को राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग क्या है, अ का 4 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा ग्लाइडर एयरक्राफ्ट। सर्फिंग क्या है, ब का 1 हो जाएगा, एक वाटर स्पोर्ट्स है। स्कीइंग क्या है दोस्तों, ये बर्फ पर खेला जाता है, तो स का 2 हो जाएगा। पर्वतारोहण क्या है दोस्तों, यहाँ पे द का 3 हो जाएगा, रॉकी बर्फ वाले रूट या दोनों रूट पर चढ़ाई करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर घो यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों अगल बगल लोग थोड़ा शोर कर रहे हैं, तो इसे आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आप बोलिएगा मत कि शोर हो रहा है, ठीक है, तो मेरी मजबूरी है यहाँ पे बनाना, ठीक है। यहाँ पे अध्याय 6 आपका समाप्त हो गया, और यहाँ पे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अध्याय 7 पे, अब चलते हैं अध्याय 7 पे। दोस्तों मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ।
तो सोर्स वेरिएबल को पर आप ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों अध्याय 7 का कि BMI का मान किस इकाई से मापा जाता है। दोस्तों BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, यह जो है हमारा जो वेट है हमारे हाइट के अनुसार सही है कि नहीं है इसको मापा जाता है, या लीन बॉडी मास को मापता है। इसको मापने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट केजी में लिया जाता है और हाइट जो है मीटर लिया जाता है, उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, किग्रा किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है BMI को मापने का कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट हमने बताया ठीक है कि जो हमारा वेट होता है वो केजी में मापा जाता है और जो हमारा ऊंचाई हाइट होता है वो मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पे उसके अनुसार हो जाएगा भार अपान ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि 2 का घ हो जाएगा। तो आप देखने जाइए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सोचेंगे सेम टू सेम वही ऑप्शन रख देता, ऐसा होगा नहीं, आपको दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है BMI का कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई श्रेणियाँ कितनी है। तो उसके अनुसार 6 श्रेणियाँ रखा गया है, एक अंडरवेट जो 18 से कम होता है, और ये एक होता है आपका सामान्य जो 18.6 से 24.9 तक होता है, और तीसरा होता है आपका 25 से लेकर ज़्यादा वो आपका ओवरवेट हो जाता है, उसके बाद ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 यानी कि 30 से ऊपर हो जाता है तो आप ओबेसिटी यानी मोटापा के ग्रस्त हो जाते हैं। इस 6 श्रेणियाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हिप्पोक्रेट्स जो हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं नामक प्रसिद्ध औषधि शास्त्री किस देश के थे। तो यूनान यानी कि ग्रीस के थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बॉक्स की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों ये यशवंत सिंह की बुक में आपको दिया हुआ है, यदि आप पढ़े होंगे तो पुरुषों के लिए हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में जो बेंच की ऊंचाई होती है 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर होता है, महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इस आपका सरस्वती प्रकाशन में दिया हुआ है 11th की बुक में 16 इंच। कितना दिया हुआ है? 16 इंच। तो दोनों के हिसाब से मैंने बता दिया, आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य बॉडी मास इंडेक्स की रेंज कितनी होती है। तो स्वस्थ बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मल होता है होना चाहिए तो 18.5 से 24.9 होना चाहिए, जिसमें आपका ऑल गुड होता है, डाइजेशन सर्कुलेशन सभी चीज़ें ठीक होती हैं। जब 18.5 से कम होता है तो आप वीकनेस की स्थिति में आते हैं अंडरवेट में, और जब 24.9 यानी 25 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका ओवरवेट हो जाते हैं, जब 30 से अधिक हो जाता है तो आप ओबेसिटी यानी मोटापा के कगार पर आ जाते हैं। तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हार्ट रेट हार्ट बीट एंड जो आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ जाता है, सभी चीज़ें प्रॉब्लम आपको होने लगती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेस्ट हिप रेशो की गणना किसके द्वारा की जाती है। वेस्ट हिप रेशो की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो यह गणना की जाती है वेस्ट की को हिप के माप से भाग देंगे। वेस्ट हिप रेशो की गणना कैसे की जाती है, जो हमारा वेस्ट को हिप के माप से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभिकथन अ है कि बॉडी मास इंडेक्स को क्यूलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका आविष्कार एडोल्फी क्यूलेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात राइट है। इसके तर्क में आर बह दिया गया है कि BMI की सहायता से यह जाना जाता है कि कोई अल्प भार है कि सामान्य भार है कि स्थूलता यानी ओबेसिटी की श्रेणी में है। तो दोनों आपका राइट लग रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अ ब दोनों सही है, ब अ की सही व्याख्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर को आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि मेसोमोर्फ में मेसो से क्या तात्पर्य है। तो सेल्डर ने 3 बारी टाइप बांटे हैं, आप सबको पता है, एंडोमोर्फ यानी गोल का शरीर, मेसोमोर्फ यानी कि शक्तिशाली शरीर मजबूत शरीर जिसमें मसल्स प्रधान होता है मांसपेशी प्रधान होता है, और तीसरा टाइप इन्होंने बताया है एक्टोमोर्फ यानी दुबला पतला शरीर अस्थि प्रधान होता है। यहाँ पे मेसोमोर्फ का मतलब मांसपेशी प्रधान है, आपका मांसपेशी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका अध्याय 7 आपका समाप्त होता है। अध्याय 7 का जो आंसर की है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अध्याय 8 पर। ठीक है, अध्याय 8 पर हम चलते हैं। अध्याय 8 में कुल क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 21 क्वेश्चन। अब 21 क्वेश्चन को हम हल करते हैं।
तो दोस्तों अध्याय 8 में पहला क्वेश्चन है, एक मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप सबको पता है दाया हृदय बाया हृदय दो भागों में बांटा गया है, जिसमें चार कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? चार कक्ष। ऊपर के दो कक्ष को अलिंद, नीचे के दो कक्ष को निलय कहते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थियों का कौन सा प्रकार कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो हमारे फ्लैट बोन होती है, चपटी अस्थियां होती है, जो हमारे खोपड़ी में पाई जाती हैं, वो क्या करती है, ये हमारे जो अंदर का ब्रेन है उसको क्या है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मानव शरीर में निम्न अस्थियों में से सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? दोस्तों जैसा कि कई बार आप जान चुके हैं, हमारे जो कान में 6 अस्थियां अस्थियां होती है, दोनों कान में 3-3, ठीक है, मिस यानी मिलस इनिकस स्टेपस, इसमें से जो हमारे कान की जो स्टेपस हड्डी है वो सबसे छोटी हमारे शरीर की अस्थि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हृदय द्वारा एक बीट में बाहर निकाले गए रक्त के आयतन को क्या कहते हैं? एक बीट यानी एक धड़कन में हृदय जितना रक्त बाहर की तरफ निकालता है उसके आयतन को हम कहते हैं स्ट्रोक आयतन, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 ml होता है, और हमारा हार्ट बीट कितना होता है एक मिनट में 72 ml, और स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट बीट जब हम निकालेंगे तो आपका निकलता है कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट कहते हैं एक मिनट में हृदय कितना रक्त को पंप करता है कार्डियक आउटपुट होता है, एक धड़कन में कितना हृदय रक्त को पंप करता है तो उसे कहते हैं स्ट्रोक आयतन, जैसा कि आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेज गति से संकुचन करने वाले रेशों का रंग कैसा होता है? तो मैंने कई बार बताया है आपको, जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रेड मसल फाइबर जो स्लो ट्विस्ट होता है धीरे धीरे संकुचित होता है, एक होता है व्हाइट मसल फाइबर जो फास्ट ट्विस्ट होता है यानी तेज तेज संकुचित होता है, यहाँ तेज गति से पूछा है तो श्वेत रेशा हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर संतुलन किस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल फुटबॉल हॉकी, आप एक जगह रह के तो खेल नहीं सकते, स्थिर होकर खेल नहीं सकते, स्थिर संतुलन इसमें होगा नहीं, डायनेमिक होगा, यहाँ पे स्थिर संकुचन होगा शूटिंग, ठीक है, दिमाग लगाना है इसमें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी अस्थि लंबी अस्थि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों प्रगंडिका यानी कि जो हमारी फीमेल हड्डी होती है, रेडियस, प्रगंडिका यानी ह्यूमरस हड्डी, ह्यूमरस जो होता है बांह की हड्डी, रेडियस, एंजंघास्थी यानी फीमर, ये तीनों के तीनों लॉन्ग बोन है, बट आपका कार्पल यानी टार्सल जो है शॉर्ट बोन होती है, यहाँ पे कौन नहीं है लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल, तो शॉर्ट कार्पल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर आपने पढ़ा होगा, बट इस बुक में दिया है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कब्जेदार जोड़ यानी कि हिंज संधि जिसे हम कोर संधि भी बोलते हैं, ये जो हमारा एक तल में गति करता है, जैसे दरवाजा एक तरफ ही मुड़ सकता है, तो कब्जा संधि यानी कि हिंज संधि भी एक तरफ मुड़ता है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल होता है एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं कलाई का जोड़ और टखने का जोड़ यानी कार्पस और टार्सस ज्वाइंट जो दोनों तल में गति करती है, आगे पीछे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकता है, तो ये कॉन्डिलेटर ज्वाइंट में आ जाएगा। कुल्ही का जोड़ सभी दिशाओं में गति करता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे बचता है कौन, घुटने का जोड़ जो आपका कब्जे संधि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अस्थियों का कौन सा कार्य है? तो अस्थियां क्या कार्य करती है? अस्थियों जो लंबी अस्थियां होती हैं उसके बीच में खोखला हिस्सा होता है, उसमें बोन मैरो होता है, और उसी बोन मैरो में हम लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रक्त का निर्माण होता है, और उस खोखले हिस्से को हम हेवेसियन नाल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो क आपका राइट है, और सुरक्षा भी प्रदान करता है कोमल अंगों का, आंतरिक अंगों का, और सहारा भी करता है हमारे शरीर की एक आकृति प्रदान करता है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक मांसपेशी का गुण है? तो दोस्तों मांसपेशी में हमारा संकुचनशीलता का गुण है, लचीलेपन का गुण है, प्रसार और फैलाव का गुण है, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक साइनोवियल जोड़ का प्रकार नहीं है। साइनोवियल जोड़ कहने का मतलब चल संधि। हमारे शरीर में तीन प्रकार की जोड़ है, चल, अचल और अर्धचल संधि। चल, अचल और अर्धचल संधि, तो साइनोवियल जोड़ क्या है? जो चल संधि है, तो इसमें कौन सा हमारा साइनोवियल जोड़ का उदाहरण नहीं है? तो चल संधि छह प्रकार की होती है, जिसमें कब्जेदार जोड़ भी चल संधि है यानी साइनोवियल जोड़ है, कॉर्निलाइड भी है, खोटीदार भी जोड़ है, बस सिंफेसिस नहीं है, सिंफेसिस अर्धचल संधि है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न धमनियों में से कौन सी धमनी सामान्य तौर पर शरीर के रक्त दबाव को बनाए रखती है? तो शरीर के रक्त दबाव को आर्टरियोल्स जो होती है, हमारे शरीर के सामान्य रक्त दबाव को बनाए रखती है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न अस्थियों में से कौन सी एक सीसोमोयड अस्थि है? तो दोस्तों आकार और आकृति के आधार पर हड्डियों को पांच भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्टेमोइड बोन। लॉन्ग बोन जिसमें लंबी अस्थियां आती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, फीबर, टिबिया, फिबुला, जो लीवर का काम करती हैं, उत्तोलक का काम करती है, जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। एक खोखली होती है बीच में, जिसे हैवर्सियन नाल कहते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट बोन, जो हमारा कार्पस एंड टॉर्सस, जो हमारे कलाई और टखने का जुड़ होता है। एंड तीसरा होता है फ्लैट बोन, चपटी अस्थियाँ, जो आपका जैसे जहाँ पे हमारे आंतरिक अंग सुरक्षा होते हैं, जैसे कपाल हो गया, पसलिया हो गया, स्केपुला हो गया, ये चपटी अस्थियाँ होती हैं। एंड चौथा हो गया आपका इरेगुलर, यानी कि अबेडोल अस्थियाँ, जो हमारे चेहरे की और कुछ रीढ़ की अस्थियाँ होती हैं। पांचवा हो जाएगा सीसामोयड या कंडरास्थियाँ, जो कंडरा में विकसित होती है, जोड़ों पर आसपास, जोड़ों के आसपास विकसित होती हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है पटेला यानी घुटना का अस्थि, तो पटेला यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थि संतुलन इसमें महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी खेल होगा स्थिर से नहीं होगा, गतिशील रहेंगे तभी हो पाएगा, तो शूटिंग आपका स्थिर संतुलन में महत्वपूर्ण है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा एक काल्पनिक बिंदु है हमारे शरीर के अंदर या बाहर, जिसकी चारों ओर शरीर संतुलित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम एक्सिस कहते हैं, या हम उसके कह सकते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट कह सकते हैं, जिसके चारों ओर गति होती है, जहां समस्त भार कार्य करता है वहीं पे गुरुत्व केंद्र होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि तीव्र गति से संकुचन करने वाले रेशों को क्या कहा जाता है, यानी कैसा रंग होता है? तो श्वेत रंग होता है, सफेद जो रेशे होते हैं तीव्र गति से संकुचित होते हैं, जो लाल रेशे होते हैं वो धीमे धीमे संकुचित होते हैं। जो तीव्र गति से संकुचित रेशे श्वेत रेशे होती हैं, वो अनएरोबिक क्रियाओं यानी कि शक्तिवर्धक मसल्स वाली क्रियाओं में ज्यादा काम करती हैं, जैसे स्प्रिंट दौड़ हो गया, भारोत्तोलन हो गया। एंड जो लाल रेशे होती हैं धीरे धीरे संकुचित होते हैं, वो लंबी अवधि की क्रियाओं के लिए ज्यादा लाभदायक होती हैं, जैसे कि एरोबिक क्रियाएं, सहनशीलता वाली क्रियाएं, ठीक है, ये आपका काम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हृदय के द्वारा एक बीट में पंप किए गए रक्त को आयतन को क्या कहते हैं? तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ, एक धड़कन यानी एक बीट में जितना हृदय रक्त को पंप करेगा उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? स्ट्रोक वैल्यू यानी स्ट्रोक आयतन। और एक मिनट में जितना हृदय रक्त को पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि कौन सा संस्थान हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है? तो अस्थि संस्थान, अस्थियों के नीचे ही तो हमारे जो कोमल अंग है सुरक्षित होते हैं, अस्थियां नहीं होता तो उसको चोट लग जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अभिकथन से रिलेटेड है कि अ है कि अस्थि संस्थान विभिन्न अस्थियों का संयोजन होता है, जो आकृति व माप के में भिन्न होता है। सही बात है, हर एक छोटी बड़ी लंबी चौड़ी चपटी इस प्रकार बांटा गया है। ब है अस्थि मांसपेशी रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक धीमी संकुचन करते हैं और दूसरे तीव्र संकुचन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, बट ब जो है अ की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो लंबी अस्थियां क्या होंगी? तो हमारा ह्यूमरस जो है लंबी अस्थियां हो जाएगा, छोटी अस्थियों में कौन हो जाएगा? स्टेपस हो जाएगा, बॉका वन। चौपटी अस्थियां कौन हो जाएगा हमारा? स्केपुला यानी कि हमारे कंधे का ज्वाइंट हो जाएगा। एंड सीसमोइड बोन कौन हो जाएगा?
आपका जोड़ का जोड़ों के पास यह हड्डियां पटेला हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका अध्याय 8 आपका समाप्त होता है और इसका उत्तर कुंजी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अध्याय 9 की तरफ, जो आपका मनोविज्ञान से खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 9 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है, इस बात को कहा है वाटसन ने, क्योंकि व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को। और मनोविज्ञान जो है दोस्तों, मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद मनोविज्ञान को कहा क्या कहा गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, 4 स्टेप में हुआ, जिसमें से व्यवहार। अब पूछेगा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो अब राइट आंसर होता है व्यवहार का विज्ञान है। कभी भी भूल के भी दूसरा मत लगाइएगा, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है वर्तमान में, तो व्यवहार का विज्ञान है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया, तो आत्मा का विज्ञान कहा गया। और मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगस, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्दों से। साइकी का अर्थ होता है आत्मा यानी सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या बातचीत, यानी आत्मा संबंधित अध्ययन या बातचीत ही साइकोलॉजी का अर्थ होता है। लेकिन वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु प्लेटो ने, मस्तिष्क यानी मन का विज्ञान कहा पेम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में, और चेतना का विज्ञान कहा 19वीं शताब्दी में विलियम ओंट विलियम जेम्स ने, एंड व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में कहा वाटसन बुडवर्थ स्नीक स्कीनर थॉर्नडाइक मैकडूगल ने। व्यवहार का विज्ञान का जनक कहा जाता है वाटसन को। और मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान, व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान कहा वाटसन ने। दोस्तों, मनोविज्ञान के पिता विलियम ओंट को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स, एंड खेल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं कोलमैन ग्रिफिथ। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं थॉर्नडाइक, और व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं वाटसन। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। एंड शिक्षा में खेल जनक के पिता है कार्ल विल कुक, और किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली खेल विधि के जन्म जाता है फ्रॉविल। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को, जैसे कि मैंने थ्योरी सेशन में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसका टेंशन ना लीजिए। आपको पूरे डिटेल में जानना है तो थ्योरी सेशन में जाइए, खेल मनोविज्ञान के सेशन में सभी चीजें आपको डिटेल में वहां पे मिल जाएंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है सिंगर का। किसका कथन है? सिंगर का। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से खेल मनोविज्ञान का महत्व कौन सा है? तो दोस्तों, खेल मनोविज्ञान जो है शरीर क्रियात्मक क्षमताओं में बढ़ोतरी करता है, संवेगों के नियंत्रण में सहायता करता है, गामक कौशलों को सीखने में मदद करता है, तो इन सभी में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की नहीं है? तो मानसिक समस्याएं होती है उनमें, सामंजस्य नहीं कर पाते, सामंजस्य और स्थिरता की कमी होती है उनमें, एंड सामाजिक समस्याएं होती हैं, एंड यहाँ पे महत्व की भावना में कमी नहीं होती है, ज्यादा होती है, ये आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने आप ही प्रत्येक कार्य को करने की कोशिश करता है, यह कथन किसका है? तो इस बात को कहे हैं सैडलर ने। किसने कहा है? सैडलर ने। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक वृद्धि का पहलू है? तो वृद्धि आकार और आकृति में बढ़ता है, जो विकास होता है, जीवन प्रयत्न होता है, वृद्धि जो है कुछ समय तक ही होता है, कुछ समय के बाद रुक जाती है, तो यहाँ पे भार आपका वृद्धि का सूचक है, जबकि भावना बुद्धि नेतृत्व ये सब विकास का सूचक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, खेल मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है, तो संवेगी और भावनाओं के नियंत्रण करता है, व्यवहार को समझने में सहायता करता है, शरीर क्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन अ है,
वृद्धि विकास का एक भाग है। सही बात है, वृद्धि जो है विकास का क्या है, एक भाग है। वह है विकास वृद्धि का एक भाग नहीं है, विकास वृद्धि का एक भाग नहीं है, गलत है। और सही है ब गलत है, और सही है ब गलत है, ग आपका राइट हो जाएगा। और सही है ब गलत है, ठीक है, ग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है। शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष के आयु को हम कहते हैं शैशवावस्था। जन्म से लेकर 2 वर्ष के आयु को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था, और कब पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बाल्यावस्था, शैशवावस्था के जस्ट बाद बाल्यावस्था, मिलान करने में आसानी है, 3 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, ठीक है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था की बात क्या आएगा, किशोरावस्था, तो 13 से 19 वर्ष क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। एंड उसके बाद क्या आता है, वयस्कता, यानी वयस्क अवस्था आती है, यंग एज, जो 10-20 से ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका 9 अध्याय कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं 10वें अध्याय यानी लास्ट अध्याय पे। तो दोस्तों अध्याय 10 का पहला क्वेश्चन है, लिमरिंग डाउन का कौन सा महत्व नहीं है। तो दोस्तों जैसे भी कोई भी कार्य या एक्टिविटी करने से पहले हम शरीर को गर्माते हैं, जिसे वार्मिंग अप कहा जाता है। और कार्य संपन्न होने के बाद जब शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, हार्ट बीट बढ़ गया है, सब कुछ तेज हो चुका है, उसको नॉर्मल करने के लिए, सामान्य अवस्था में करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा टहलते हैं, लिमरिंग डाउन कहते हैं, जिसे कूलिंग डाउन भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें कौन महत्व नहीं है ये देखना है। यह चक्कर आदि या मूर्छित होने के खतरों को कम करता है, सही बात है। हल्का हल्का आप आराम से चलेंगे तो चक्कर और मूर्छित होने के खतरों से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। एंड रक्त में एड्रेनलिन के स्तर को कमी करता है, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है, और जो हमारा लैक्टिक एसिड जमा होता है उसको कम करता है, ठीक है, घटाता है। और इसमें मांसपेशियों के तनाव को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, इसलिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से वार्मिंग अप कौन सा होता है, वार्मिंग अप का महत्व कौन सा है। तो दोस्तों शरीर के तापमान को बढ़ाता है वार्मिंग अप, उपापचय दर में वृद्धि करता है, मेटाबॉलिज्म में, चोटों से दूर रखता है। क्यों हम करते हैं, तापमान बढ़ता है जिससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ता है जिससे चोट कम लगती है, उपापचय दर भी बढ़ता है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वार्मिंग अप रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती है, यह कथन किसने कहा है। इस बात को कहा है दोस्तों किसने, डेवरीस ने कहा है, ठीक है, डेवरीस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप होता है, यह कथन किसने कहा है। तो इस कथन को कहा है मेडवेदेव ने, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्लड डोपिंग की संख्या किसकी संख्या में वृद्धि करता है। दोस्तों तो यह लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि करता है, आरबीसी की संख्या में। ब्लड को निकाल लिया जाता है, उसको आरबीसी को प्लाज्मा से अलग करके डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है, और जब प्रतियोगिता होता है उसके 1 हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले उस रक्त को पुनः अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में आरबीसी की कमी बढ़ जाती है। जब आरबीसी बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा ऊर्जा बनाएगा, ज्यादा ऊर्जा बनाएगा तो हम देर तक नहीं थकेंगे, सहनशीलता हमारे में बरकरार रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से डोपिंग की शारीरिक विधि कौन सी है। तो दोस्तों शारीरिक विधि में जीन ब्लड डोपिंग एंड आपका जीन डोपिंग आता है, तो यहाँ पे जीन डोपिंग आपका शारीरिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वाडा का विस्तृत रूप क्या है। तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुआ स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में, जिसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वर्तमान अध्यक्ष है बिटोल्ड बांका। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी क्रिया से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। तापमान बढ़ने की बात कहेगा तो वार्मिंग अप होगा, सामान्य
तापमान को सामान्य करने की बात कह रहा है तो कूलिंग डाउन होगा, एक दिमाग लगाने की बात है। ठीक है, जो भी थ्योरी सेशन पढ़ा है वो फटाफट से आंसर देते चले जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मेन आपका बेस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, खेल प्रशिक्षण व खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व कौन सी क्रिया की जाती है? एकदम इजी क्वेश्चन है, वार्मिंग अप किया जाता है। क्या किया जाता है? वार्मिंग अप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थों को लेने को क्या कहा जाता है? तो खेल कूद के क्षेत्र में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो गलत साधनों का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है डोपिंग। और डोपिंग के लिए आप पूरी जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो डोपिंग वाले वीडियो को 4-5 वीडियो है उसको देख लीजिए, कभी आपका डोपिंग गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, यदि नियमित रूप से निम्न पदार्थों में से कौन सा एक पदार्थ लिया जाए जो हृदय के धड़कन को दर को बहुत कम कर देगी कर हो जाती है? तो दोस्तों वह होता है बीटा ब्लॉकर्स। ये एकाग्रता को बढ़ाता है, हृदय हार्ट बीट को कम कर देता है, हमारे हाथ पांव को कंपन को कम कर देता है, जिससे जो एकाग्रता वाले खेल होते हैं जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, गोल्फ आदि को खेलों में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस क्रिया या गतिविधि को करने से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है? तापमान बढ़ाने की बात करेगा तो वार्मिंग अप, सामान्य करने की बात कर रहा है तो लिमरिंग डाउन यानी कूलिंग डाउन राइट होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के कारण एक मैराथन रनर की आराम की दशा में हृदय की धड़कने की दर क्या होगी? तो दोस्तों प्रशिक्षण लिया है, जैसा कि आप सबको पता है कि सामान्य कंडीशन में जो हमारा हार्ट बीट होता है 1 मिनट में 72 बार होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई क्रिया करते हैं उस टाइम हमारा हार्ट बीट बढ़ करके 180 तक हो जाता है, लेकिन जो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है उसका हार्ट बीट जो है 40 से 50 होती है। जितना सामान्य आपका हार्ट बीट रहेगा आप उतना कम थकेंगे, जो प्रशिक्षित खिलाड़ी होगी तो उसके हार्ट बीट क्या होगी? घटेगी दोस्तों, घटेगी, 13 का 6 राइट होगा, 13 का क्या होगा 6 राइट होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, खेल प्रशिक्षण बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है? हम प्रशिक्षण करते ही क्यों है? प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा, खेल प्रदर्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वॉलीबॉल में अंक बताने के लिए स्मैशिंग की आवश्यकता होती है, स्मैशिंग क्या है? एक वॉलीबॉल का कौशल है, स्किल है। क्या है? कौशल यानी एक स्किल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न तरीकों में से आप किसे वरीयता देंगे जब आपको मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्ति से निपटना होगा? तो क्या करेंगे हम उसको? उसको हम विषहरण करेंगे। क्या करेंगे? जो भी मादक पदार्थ लिया है उसको विषहरण करने की कोशिश करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरेटिक्स से हो सकता है, तो ड्यूरेटिक्स क्या है? ए वेट रिड्यूसिंग दुर्ग है, यानी कि भार को कम करता है, मूत्र के रास्ते पानी जो है पूरा बाहर निकल जाता है और जिससे भार कम हो जाता है। इसके 3 रूप से प्रयोग किया जाता है, भार कम करने के लिए, डोपिंग को छिपाने के लिए, मासिक धर्म को डेट को एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? यह खनिज असंतुलन होता है, मतलब इसके निगेटिव प्रभाव क्या, पॉजिटिव प्रभाव तो ये हो गया कि हाँ वेट कम होगा, भार वाले खिलाड़ी ज्यादा उपयोग करते हैं। निगेटिव प्रभाव यानी कि गलत प्रभाव क्या पड़ेगा, खनिज असंतुलन हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, अनियमित हृदय की धड़कन हो जाता है। उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। ठीक है, जब डोपिंग का प्रयोग करते हैं तो लेते समय तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, लेकिन उसके बाद आपका परफॉर्मेंस एकदम लो कर देता है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है पहले वाली स्थिति में आने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन अ है कि ड्यूरेटिक्स मस्तिष्क के कार्यों व हृदय के धड़कने की दर तथा श्वास लेने की दर को बढ़ाकर सतर्कता तथा शारीरिक क्रिया को बढ़ाते हैं। तो सही बात, ये बात गलत है दोस्तों। ड्यूरेटिक्स भार को कम करता है, हृदय की धड़कन को कम नहीं करता, सारी सतर्कता को नहीं बढ़ाता, कम करता है। ये तो आपका बीटा ब्लॉकर्स करता है, ये तो बीटा ब्लॉकर्स करता है। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, ये जो अभिकथन अ है मेरे को गलत लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, अभिकथन अ गलत लग रहा है। ब, इसका कारण क्या है? ड्यूरेटिक्स अधिकतर वेट लिफ्टर्स, मुक्केबाजी और रेसलर के द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, ब,
ए गलत है, अ गलत है, इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका 18 का, अ गलत है, ब सही है, अ गलत है, ब सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, अ गलत है, ब सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका मिलान करने के लिए, आपको मिलाना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे घ आपका राइट होगा, यानी कि लिम्बरिंग डाउन क्या होगा, यह हमारे मांसपेशियों को कठोर नहीं होने देती, ठीक है। वार्मिंग अप क्या होता है, वार्मिंग अप से क्या होगा, यह मांसपेशियों को चिपचिपाहट को कम करती है और लचीलापन को बढ़ाता है। कौशल क्या है दोस्तों, यह हमारे पूरे मूवमेंट करने को करने की योग्यता होती है, कौशल स्किल। द है ठीक, यानी सूक्ष्म कौशल क्या होता है, सूक्ष्म कौशल जो होता है इसका टू राइट होगा, छोटी मांसपेशियों समूह का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म मूवमेंट्स करना सूक्ष्म कौशल होता है, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। इस प्रकार आपका 10वां चैप्टर दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है, और यहाँ पे 10वां चैप्टर का आपका दिया हुआ है आंसर। तो इस प्रकार आपका 11, 12 दोनों मैराथन क्लास संपन्न होता है, ये 11th क्लास का है, इसके बाद 12th क्लास का भी अपलोड हो जाएगा, दोनों आपका मैराथन क्लास आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप थ्योरी सेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं सभी टॉपिक की डिटेल में, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, सभी थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज दिया हुआ है। यदि आप सभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सभी प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जाइए चेकआउट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।